नमस्कार जी, आज हम अपना कृष्ण नेहरा जी के खेत में हैं, गांव आलमपुर में। ये 32 एकड़ में अपना सरसों की बिजाई की हुई है इन्होंने और 5 एकड़ में इन्होंने जेबा लगाया हुआ है। तो आज हम इनके खेत में विजिट पे आए थे और आज हम जेबा का फ़र्क पूछते हैं अपने किसान कृष्ण नेहरा जी से। तो राम राम जी। राम राम जी। तो आपने जी कितने एकड़, 32 एकड़ में सरसों? हाँ, 32 एकड़ में। ठीक है, और जेबा कितने एकड़ में लगाया? जेबा लगाया जी 5 एकड़ में। 5 एकड़ में। वो आपके कौन से हैं जो ये सामने दिखाई दे रहे? हाँ जी, वो ऊपर वाले, ऊपर वाले 5 किले जेबा लगाए थे। ठीक है जी, और बाकी आपने बगैर जेबा? हाँ, बाकी बगैर जेबा। तो आपने ये जेबा का अब तक क्या अंतर लगाया जी? मोटा मोटा जेबा का सबसे पहले तो ये जेबा का पौधा है जिसमें जेबा लगाया हुआ है और ये बगैर जेबा वाली है। इसमें नीचे से जड़ों का आपने दिखाई दे रहा है। हाँ। इसमें तो सिर्फ एक की जड़ अलग चल रही है और इसकी लंबी और चौड़ी कितनी जड़ फैल चुकी हैं ये तो साफ दिख रहा है आपने भी। हाँ जी, ये सबसे पहला तो ये लगाया। उसके बाद में एक दिन की बिजाई है इस पौधे की, रोज इस पौधे की। इसमें आप देख लो, इसमें जेब्बा वाली में नीचे से भी फुटा हुआ है, ऊपर तक बढ़िया फुटा हुआ है और अच्छी हाइट में चल रही है। ये तो इससे आधी पहुँची है अभी, एक दिन में बोई हुई। इसमें दिन रात का अंतर लग रहा है जेबा वाली में। इसने तो फली भी बना ली आधी से ज्यादा और इसको अभी तक फली भी नहीं आनी शुरू हुई है। हाँ, ये तो है। हाँ। जी, जिस तरह इसमें आपको मतलब जड़ों का भी अच्छा है, फुटाव भी ज्यादा। हाँ। और फलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ। और इसमें अभी तक इससे मतलब आधा ही बना है और ये टाइम लेगी अभी। हाँ, अभी तो ये तो ये मान लो 20 दिन में और इसके बराबर पहुंचेगी। ठीक है। तो जिसमें खाद वगैरह बराबर डाल लिया था इसमें? हाँ, खाद सब बराबर। और पानी? पानी भी दो पानी इसमें लगाए, दो इसमें लगाए। ठीक है। और खाद वगैरह सब एक साथ? हाँ, सब सिर्फ आपने इसमें अलग से किया है तो जेब्बा बोया इसमें तो। ठीक ठीक है जी। तो मतलब उम्मीद करा जी ये मतलब उत्पादन भी अपना इनसे ज्यादा ही मिला। हाँ, अब तो लग रहा है, बाकी चलो देखते रहे आगे का तो निकालने पर पता लगेगा। अब तो दिन रात का अंतर लग रहा है इसमें। धन्यवाद जी नेहरा साहब, बहुत बहुत। ठीक है, धन्यवाद।